शिवराज सरकार में खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह केंद्र सरकार द्वारा पारित बजट की उपलब्धियां बताने छतर पर पहुंचे थे, लेकिन जब खनिज विषय पर चर्चा हुई तो उन्होंने कमलनाथ सरकार द्वारा बनाई गई खनिज नीति की जमकर तारीफ की। खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने माना कि कमलनाथ सरकार की नई खनिज नीति के कारण प्रदेश के बजट में रॉयल्टी बढ़ी है, जिससे प्रदेश के खजाने में इजाफा हुआ है और अवैध रेत खनन में कमी आई है। उन्होंने कहा, जो थोड़ी बहुत हो रही है उसे उनकी सरकार रोकने में लगी हुई है और इसे रोकने के लिए एक ऐप उनका विभाग तैयार कर रहा है, जिससे अवैध उत्खनन की जानकारी लगने पर विभाग एक्शन ले सके। मैं कंप्लीट रोक गया है मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत चीज़ें कंट्रोल में आ गई हैं। और रही वो खनिज नीति की बात, तो ये रेत खनिज नीति जो है वो आपके कांग्रेस सरकार के समय आई थी। जहाँ हमारी सरकार आई ऑलरेडी उसके ठेके हो चुके थे, एग्रीमेंट हो चुके थे, उनके जो डिपॉजिट है वो जमा हो चुके थे, इसलिए उसमें हम परिवर्तन इसलिए नहीं कर सकते थे कि वो लिटिगेशन का मामला होता, कोर्ट में जाते, और इसलिए उन्हीं प्रावधानों के तहत हम कैसे कंट्रोल कर पाएँ। इसके लिए बहुत कुछ कंट्रोल हमने किया है, जिस हिसाब से हमें रॉयल्टी मिल रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।